हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। पर्थला विधानसभा में है विधायक नयन पाल से बड़ा नाटकबाज हमें लगता नहीं कि कोई होगा। तब पिछली बार का थोड़ा इतिहास बता दें, जब ये बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे 2019 में जब टिकट मांग रहे थे तो बीजेपी ने इनकी टिकट काट कर चोकर साहब को दे दी। मतलब सीधा सीधा इन्होंने बीजेपी पे इतना कहा कि बीजेपी मेरी माँ है, मेरे भाई बाप है, लेकिन बीजेपी ने मेरे पीठ पर छुरा घोंपा है। ये नयन पाल रावत ने बयानबाजी करी थी। आज नयन पाल रावत एक बहुत बड़ी सभा कर रहे हैं, वो भी बताएंगे क्यों कर रहे हैं। कहा था 2019 में कि नयन पाल रावत ने बीच में कि बीजेपी ने छुरा घोंप दिया, लोगों के पास गए कि बीजेपी ने मेरे साथ धोखा किया है, भैया छुरा घोंपा है, लोगों से कलेक्शन की, गांव के लोग इमोशनल इतना हो गए, आओ गांव के लोग इतने इमोशनल हो गए कि अपना पैसा फंड इकट्ठा कर करके नयन पाल रावत को दिया। नयन पाल रावत उसी फंड से चुनाव लड़े और जीत गए, सिंपैथी लोगों की जीती। हाँ भैया, फिर उसके बाद बीजेपी को गाली देते रहे, लेकिन जैसी सत्ता में आए फिर बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए, सत्ता में जाके सत्ता का लालच इतना सताया कि बीजेपी नजर आई, बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, निर्दलीय चुनाव लड़े, उसके बाद जीत गए तो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। मतलब लोगों को पहले बोला कि बीजेपी ने मेरे पीठ पर छुरा घोंपा है और फिर बीजेपी के साथ ही गठबंधन कर लिया नयन पाल रावत ने। उसके बाद बीजेपी के गुणगान गाते रहे, सरकार के गुणगान गाते रहे। सोचेगा सरकार के ऐसे गुणगान गाए कि भैया सत्ता से हटे ही नहीं। अब फिर बीजेपी से टिकट मांग रहे थे लेकिन बीजेपी से टिकट ना मिली, तो उसके बाद पता चला फिर गुड़गान, फिर गाली बीजेपी को दे रहे हैं कि भैया बीजेपी ने टिकट नहीं दी है, बीजेपी ने फिर धोखा कर दिया। जब तुम्हें पता था टिकट नहीं मिलेगी, बीजेपी धोखा दे सकती है, तो काहे भैया फिर बीजेपी के साथ जुड़े, सत्ता के साथ जुड़े। ये कहां से आए हो? जाजरू से। जाजरू से। अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार भैया बीजेपी से टिकट तो मिली नहीं है? पिछली बार बीजेपी से टिकट नहीं मिली थी, शोर शराबा मचाते रहे, बीजेपी को गाली देते रहे, फिर बीजेपी की गोद में बैठ गए, क्या कहेंगे? लेकिन अभी रावत जी आएंगे। अच्छा, टिकट लाएंगे? अच्छा जी, टिकट लाएंगे। टिकट तो भैया मिल गई है ना यहाँ टेकचंद शर्मा को? नहीं, आप बता दो, टेकचंद शर्मा भी कम नहीं है भैया, लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की बुराई करते रहे वो भी, लेकिन फिलहाल के तौर पर तमाम साथी हमारे साथ जुड़े। देखिएगा जिस तरीके से आप फिर भीड़ इकट्ठी गई है, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की गई है कि भैया कि देखिए बीजेपी ने टिकट नहीं दी, तो भैया फिर पता चला अब रोना रोना शुरू हो गया। नया नाटक है भैया, नयन पाल का नया नाटक, सीधा सीधा कहते हैं कि फिलहाल के तौर पर तमाम साथी हमारे साथ जुड़े। देखिएगा आज फिर तमाम साथी हमारे साथ जुड़े। आज देखिए पटना विधानसभा से लगातार लोगों को इकट्ठा किया गया, यहाँ सभा तमाम साथी हैं। अब ये हिसाब आज चल रहा है नयन पाल रावत का, देखिएगा तमाम साथी हमारे साथ दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिएगा आगे देखिएगा फिलहाल में तमाम साथी हमारे साथ क्या वजह रही होगी फिर बीजेपी ने टिकट नहीं दी? तो कोई ना कोई तो वजह है, जब इतना दी हो भाई हाई लेवल की स्क्रीनिंग कमेटी जो होती है। इन्होंने तो कहा था कि बीजेपी निष्ठा के साथ इन्होंने मतलब दिया था, गठबंधन किया था, फिर भी ना दी। देखो राजनीति बात है, राजनीति आदमी समझ कह रहे टिकट देती है, टिकट देती दिखा नहीं था, देखो भीड़ क्या है। भाई एक बार कुछ कमियां नयन पाल में भी तो हुई होंगी, मान नहीं पाया क्या होगी? इसी बार बीजेपी को गाली देते रहे, बीजेपी ने छुरा घोंप दिया, छुरा इस बार भी तो छुरा घोंप दिया, फिर बीजेपी के साथ चले गए। समझदार को सरकार भी आज भी वो पार्टी को अपनी मां मानते हुए फिर भी नहीं। पिछली बार भी इन्होंने कहा था कि भैया हम तो सीधा सवाल करते हैं, जब बीजेपी पे भरोसा नहीं था बीजेपी के साथ जाना जरूरी था, गए नहीं। पिछली बार कहते हैं कि बीजेपी ने मेरे पीठ पर छुरा घोंप दिया, चले गए बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, इस बार तो फिर बीजेपी ने छुरा घोंप दिया। फिर देखो इधर जाने पड़ता है, कल परसों टेकचंद शर्मा भी कह रहा था, वो भी आया, लोकसभा में उन्होंने विरोध किया था, विरोध किया उन्होंने भैया, फिर थोड़ा बाद में देते हैं, थोड़ा सा। अच्छा, तो फिर इन्होंने बीजेपी ने छुरा घोंप दिया, सत्ता में आगे फिर चले जाएंगे, फिर भाई फिर लोग कैसे विश्वास करें? उनको एहसास तो होगा, कम से कम एहसास तो होगा। एहसास नहीं, विश्वास पहले जरूरी है। विश्वास जब हो उसको एहसास दिला दिया। जब आपको बीजेपी में विश्वास नहीं था, पहले बीजेपी के सत्ता में जीते, उसके बाद फिर बीजेपी में आ गए। अरे बाद में माफ कर रहे हो भैया, रोक रहे दोनों को। ये देखो जनता विश्वास है, जनता ने विश्वास किया, तो इनको क्या पता कि बीजेपी छुरा घोंप देगी। इन्होंने सरकार चलाई 5 साल, देखिए जब बीजेपी ने पिछली बार भी छुरा घोंपा, अलर्ट हो जाना चाहिए था, सत्ता में चले गए। बीजेपी ने गलती की है, बीजेपी की गलती नहीं है, गलती नहीं गलती भाई, इन्होंने भी तो पिछली बार बीजेपी को भी खूब कहा, इस बार फिर बीजेपी ने छुरा घोंपा। सरकार गिर रही थी जब इनको बुला लिया,
मलाई खाई इन लोगों ने, इन्होंने नहीं खाई, इन्हें क्या मलाई, 5 साल इन्होंने भी तो खाई होगी, मलाई के चक्कर में आदमी सत्ता में जाता है ना, जब मलाई खाते, मलाई के चक्कर में आदमी नहीं होती भाई, मलाई के चक्कर में तो सत्ता में जाता है, आज मलाई खाते थे जनता नहीं मत जाते, मैं कहता क्या अपनी अहमियत दिखाते भाई साहब, अहमियत दिखाई जनता, फिर बीजेपी ने फिर चुनाव घोप दिया, हाँ घोप के गलत कर रही है वो, फिर सत्ता में बीजेपी आ गई तो फिर चले जाएंगे, हर तरीका का होते हैं पार्टी, अच्छा एक बार इस बार अगर बीजेपी फिर सत्ता में आ गई फिर क्या करेंगे, नैनपाल अगर जीत गए तो जनता के साथ रहेंगे, जनता के साथ, जनता तो सीधा कहेगी कि मत जाओ बीजेपी के साथ, फिर चले गए तो जनता के थोड़े बहुत काम भी कराने पड़ते हैं, जनता किसकी मूड मान लोगे, सीधा सीधा अभी कंफ्यूजन है, अभी कंफ्यूजन है कि फिलहाल के तौर की बात है भाई साहब, ये पार्टी है किसी की सगी नहीं होती, तो नेता भी तो सगे किसी के नहीं होते, नहीं होते अपने लालच देखते हैं, नेता नहीं मिलेगा ढूंढे से, बात सही है, पिछली बार जनता के बीच में रो रो के बीजेपी को गाली दे दे के जनता ने पैसा इकट्ठा किया, फिर सत्ता में गए, जनता को तो धोखा मिल गया ना, 100 बात की एक बात, ऐसा विधायक नहीं मिलेगा, नहीं होगा दुनिया में, मैं बताऊँ अपना फायदा देख रहा जो है जी, अपना फायदा तो जरूर देखा है, अपना फायदा नहीं देखा, अपना फायदा जब नहीं बैठते आज ये लोग, वो बात सही है, टेकचंद शर्मा भी सही नहीं है, मैं सीधा कहता हूँ, टेकचंद शर्मा भी सही नहीं, हम भी कहते हैं कि उन्होंने लोकसभा बीजेपी का विरोध किया, पैसे दे की टिकट लिया, कोई भी लिया, अच्छा इनके पास पैसा होता ये भी टिकट लिया थे, पैसा नहीं है जनता इनके पास, आज कहाँ कहाँ के लोग आए यहाँ पर, पूरे 104 गांव के लोग हैं, 104 गांव है, हाँ जी, अच्छा कटिया में 104 गांव पड़ रहे हैं, हाँ जी, ओके, और लोगों से ही पूछेंगे सवाल, देखिए जिस तरीके से हम साथी मां साथ जुड़े हैं, अभी फिलहाल के तौर पर देखिए इतनी सारी भीड़ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो चलता है भैया, मेरा सवाल यह है कि जब बीजेपी में नैनपाल रावत जी आपको विश्वास नहीं था तो फिर गए कहे को, कांग्रेस में चले जाते हैं, अकेले रहते हैं, निर्दलीय रहकर अपनी बात रखते हैं, जनता के बीच में मैसेज छोड़ते हैं, लेकिन चले गए, सत्ता का लालच सबको भैया अच्छा लगता है, सत्ता के लालच में चले गए थे, आज देखिए फिलहाल के तौर पर तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कहाँ से आए जी आप, हमारे दिल में है, अच्छा क्या अभी मत एक बात, माहौल अभी बना रहे हैं, अभी चलना रहा बन गया माहौल, तो अभी माहौल बना रहे हैं, अभी तक तो बनना बन जाने चाहिए, 5 साल तक 5 साल से बन ही रहे हो माहौल, अच्छा, एक बात बताओ, पहले भी नैनपाल रावत जी ने बीजेपी को गाली खूब सुनाई, बीजेपी ने टिकट नहीं दी कि भैया पीठ में छुरा घोंप दिया, पीठ में छुरा घोंप दिया, आप सब ने खूब सहयोग किया, छुरा घोंपेगी भैया जनता, छुरा घोंपेगी, जिन्होंने टिकट काटी है, जिन्होंने टिकट नहीं दी वो जनता जवाब देगी, ठीक है जनता ने बनावेगी, पर बाबा एक बात तो मैं एक सीधा सवाल कहता हूँ, पिछली बार ही बीजेपी ने तो विश्वास नहीं किया था, छुरा घूम दिया, तो मत जाते बीजेपी के साथ नैनपाल रावत, अपना दम दिखाते, अरे जनता बना सत्ता के, सत्ता के साथ तो गए ना, जनता बनाएगी सत्ता के साथ, जनता का प्यार है, बाबा एक सवाल, पहली बार भी जब बीजेपी ने टिकट काट दी, नैनपाल रावत जी बोलते रहे बीजेपी ने मेरे पीठ पर छुरा घोंपा है, आप सबने खूब इमोशनल होके पैसा करेक्शन किया, जिताया, उसके बाद सत्ता में बीजेपी आई चले गए, नहीं जाना चाहिए था ना, बनाया तो जनता ने ना बाबा, तो लेकिन बीजेपी को गाली तो दे रहे थे ये, बीजेपी ने धोखा दिया, पिछली बार धोखा दिया फिर भी बीजेपी के साथ गए, इस बार फिर बीजेपी धोखा दे रही है, एक बार इस बार बीजेपी आ गई तो, इस बार बीजेपी फिर आ गई तो, फर्ज निभाए हो बाबा, अपना फर्ज निभाए, ऐसा क्या फर्ज जो जनता को भी धोखा मिल रहा है, जनता जनता को पार्टी ने इन्हें धोखा दिया, इन्होंने जनता को धोखा दिया, बराबर नहीं हो गया, नहीं नहीं बराबर नहीं है, जनता फिर भी देगी, आज आने वाले टाइम में देख ली जनता फिर भी, एक और कह रहा हूँ जनता धोखा नहीं, बाबा बाबा ठीक है, अगर मान लो फिर बीजेपी की सरकार आ गई, फिर ये सत्ता में चले गए तो फिर क्या भरोसा रहा बीजेपी को, सत्ता में 100 बार जाओ फिर भी जिम्मेदार, जनता ही बनाई, मैं कह रहा हूँ फिर भी अगर बीजेपी द्वारा आ जाती है मानो सत्ता में, फिर चले गए तो अभी बीजेपी को गाली दे रहे हैं, जनता ही बनाई बीजेपी ने, घुरा बाबा मेरा सवाल क्या कह रहा हूँ मैं, सत्ता में बीजेपी आ गई तो नैनपाल को कहाँ जाना चाहिए, नैनपाल को बीजेपी के साथ में जाए, जाएगा और कहाँ जाएगा, और बीजेपी को गाली दे रहे हो, बीजेपी कैसा हिसाब है, बीजेपी को चांस ना दिखे, जनता को सोचो, अच्छा या पिछड़े क्षेत्र में जनता को जो हो रहा है, बात सही है बाबा, मेरा सवाल है बीजेपी को गाली दे रहे सत्ता में, अगर मान लो एक बीजेपी आए फिर चले गए तो, भड़का नहीं रहा बाबा, भड़का नहीं रहा मैं, सवाल है मेरा, सवाल भैया जनता बनावेगी, जनता ने पहले बनाया, जनता आज भी, जनता ने पहले बनाया, जनता बनाएगी, आज भी बनाएगी, पहले भी बनाया, अच्छा टेकचंद ने तो गलत किया है, और लोकसभा में चुनाव में टेकचंद ने तो बीजेपी का विरोध किया, टेकचंद ने तो विरोध किया, टेकचंद ने यू है कि पूरे फरीदाबाद क्षेत्र में, जिले में, हरियाणा में, क्या राजपूत को टिकट नहीं,
उनके पास में राजपूत के लिए टिकट नहीं, पंडित के लिए, पंडित को आठन नहीं है। वो भी तो विधायक रह चुके पुराने, रह चुके 100 बार, क्या राजपूत में टिकट ही नहीं है, या पैदा बालक ही न जाने कोई। पूरा सहयोग दिया है जनता ने, किस में 5 साल सरकार में पूरा सहयोग दिया बिना शर्त के। एक और शर्त के लिए एक बार बताना, जिसने मेरा एक सवाल है, पहले तो नैनपाल बीजेपी को गाली देते हैं, पिछली बार की पीठ में छुरा घोंप दिया, फिर बीजेपी के साथ चले गए, ऐसी कौन सी गाली, सत्ता का लालच? ऐसा सत्ता का कोई लालच नहीं तो फिर क्यों सत्ता में गए? ईमानदार आदमी है, सत्ता में क्यों गए? 5 साल ईमानदारी से करी है। सीरियस रहा, आप किसी को आपने ईमान के साथ आपके साथ बेकार कर दिया, किसने आपके साथ धोखाधड़ी कर दिया, आप फिर भी उसके जाके चरणों में पड़े रहोगे? नहीं जाना चाहिए ना, हाँ ना पड़े रहोगे, नहीं जाना चाहिए आपको, हाँ ना, उन्हें आपके साथ कोई बदतमीजी कर दे, बिना शर्त के समर्थन दिया, आपको उसके चरणों में पड़े रहोगे, आपके साथ कोई बकरी ना शर्त के समर्थन दिया, और अगली बार जीतेंगे, देखो आप जनता से बात से भीड़ है, भीड़ देख ली। लेकिन एक सवाल, इस बार फिर बीजेपी को गाली दे रहे, सत्ता में बीजेपी आ गए, फिर चले जाएंगे, फिर बीजेपी के साथ, फिर क्या फायदा है? बीजेपी आ गई कोई बात ना, फिर जाएंगे तो ऐसा क्या, ये तो सत्ता का सीधा सना, देखो जहाँ सत्ता वही मुर्दा। टिकट मिलने लायक नेता थे, पहले भी कटी थी, नहीं टिकट मिलना कटी, पिछली बार गलत कटी, और अब की बार भी टिकट गलत कटी है, टिकट नहीं कट रही, टिकट के हकदार है, टिकट के जनता ही बनाते हैं, तो गलत हुआ है, नैनपाल जी के साथ गलत हुआ, नैनपाल जी के साथ गलत हुआ। राजपूतन के लिए एक भी सीट नहीं, अब पंडित के लिए 8-8 सीट। मेरा यह सवाल है कि भैया सीधा सीधा मेरा सवाल सीधा चलता है कि सत्ता में आने के बाद नेता का, जो कहते हैं कि भैया गालियां बदल जाती हैं प्यार में बदल जाती हैं, नेता पहले बीजेपी को या किसी भी पार्टी को गाली देता जब टिकट नहीं मिलती, जीत जाने के बाद फिर नेता उसी अगर सत्ता में आ जाए तो उसके साथ समर्थन में जुआता, फिर उसको गुणगान करने लगता है, ये बड़ा सवाल है भैया। आज भी नैनपाल का नाटक फिर मुझे दिखता है, क्योंकि देखिए ये देखिए तमाम साथी हैं, भीड़ अच्छी खासी जुटी है, 104 गाँव के लोग यहाँ जुटे हैं, यहाँ देखिएगा पांडाल तो भर दिया है, पांडाल जितना है तमाम साथी मां से जुड़े, पांडाल तो भरा है, तो तमाम साथी मां से जुड़े जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों से क्या है, और नैनपाल रावत जब बोलेंगे तो उनसे भी सुनेंगे कि वो क्या रखते हैं, फिर आज क्या बीजेपी को बोलते हैं, क्या बीजेपी को सुनाते हैं, वो भी सुनाएंगे। पर ये तो कह भैया नाटक तो भैया चलेगा, टिकट ना मिली तो सब बढ़िया, टिकट मिल गई तो सब बढ़िया, बल्ले बल्ले, टिकट ना मिली तो सब गंदे हैं, सब गाली गलौज के लायक हैं। वाह, ये है राजनीति, आप देख रहे हैं। नमस्कार।